God's sake, Shalini, please come back. तो फाइनली दोस्तों द केरला स्टोरी इस साल की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी एंड बिसाइड इट आल्सो मोस्ट लवेबल मूवी ने अपने 3 हफ्ते कंप्लीट करके आज 26वें दिन में एंट्री मार दी है। और आज यानी इस फिल्म का ये 4th ट्यूसडे है और अपने 2 हफ्ते की कमाई से भाईजान की बिगेस्ट फिल्म किसी का भाई किसी की जान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साथ ही अपने 4th हफ्ते की शुरुआत भी क्या धमाकेदार ओपनिंग के साथ करी है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी और कितना कमा सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल एंड मसालेदार कॉन्टेंट के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है जिसने अपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग के साथ 8 करोड़ 3 लाख की कमाई से खाता खोला था और अपने पहले दिन में ही 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ द केरला स्टोरी ने अपने पहले हफ्ते में ही 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड करके दोस्तों इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की फीमेल डोमिनेंट बनने वाली फिल्मों में नंबर 1 में अपनी जगह बनाई, वो भी बहुत कम समय में। और साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी, वीर द वेडिंग जैसी दिग्गज फिल्मों को खदेड़ा भी और अभी तक की मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी है फीमेल सेंट्रिक में। और आंकड़ा अभी भी स्लो डाउन नहीं हुआ था और अपने दूसरे हफ्ते में तो पहले हफ्ते से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करी है। जी हाँ, लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने सेकंड वीक से बटोरा और अपने थर्ड वीक से लगभग 41 करोड़ 75 लाख का जबरदस्त कलेक्शन करके और हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस फिल्म ने साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के मामले में यह अब किसी के बाप से नहीं रुकने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि फिल्म इतने लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में राज करेगी। हेटर्स का यह तक कहना था कि अपने 2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ही सिमट कर रह जाएगी। मूवी का जब से ट्रेलर आया था लगातार बॉयकॉट हुआ, लेकिन कॉन्टेंट ने, स्टारकास्ट ने और डायरेक्टर से लेकर कास्ट के रोल की सारी मेहनत मिलाकर मूवी की सिर्फ लागत ही नहीं निकाली बल्कि सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी का खिताब भी हासिल किया। क्योंकि जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा था उसकी रूह कांप जा रही थी क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज अमेजिंग एंड वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स थे जो बड़े बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर करके दिखाए जाते हैं, लाइक कश्मीर फाइल्स जिसमें भयंकर लेवल की ब्रूटैलिटी थी लेकिन उसका 5% ही ढंग से नहीं दिखाया गया। पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अदा शर्मा के मेन में बनने वाली द केरला स्टोरी कैरेक्टर रोल प्ले के मामले में 1 नंबर चल रही है। यस, साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में आपको सिद्धि दिनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों जहां इस फिल्म ने अपने 21वें दिन तक 215 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था वहीं अपने 22वें दिन में 2.5 करोड़ का कलेक्शन करा, 23वें दिन में 4 करोड़ 13 लाख का कलेक्शन किया, 24वें दिन में 4 करोड़ 7 लाख की कमाई अपने खाते में रखी और कल यानी 25वें दिन में लगभग 1 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन जबरदस्त तरीके से किया। जबकि फासेक जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी जबरदस्त टक्कर दे रही है उसके बावजूद बात करें आज यानी Day 26 में कैसी ग्रोथ है तो यस, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट शानदार होने के साथ और एडवांस में एक मोटी अच्छी कमाई खाते में रखने के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छे सोच काफी अपने खाते में रख लिए हैं। सो एंड ऑफ द डे शायद से शायद 1.5 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी मूवी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 228 करोड़ 22 लाख से ऊपर एंट्री मान लेगी मूवी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और इसी के साथ पठान के बाद इस साल की सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी साबित होते जा रही है लेकिन अभी भी आंकड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है रोज। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी में बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।